चॉकलेट बर्थडे केक रेडी है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत यम्मी होता है और ये बहुत जल्दी बनता है। आप इसे जरूर बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगा। माय नेम इज हर्षित सोगी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फूडी मूडी एंटरप्रेन्योर ऑफिशियल, फूड अकॉर्डिंग मूड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे काफी रेगुलर रहता हूँ, जो कि फूड लवर्स हैं ये चैनल उनके लिए, तो आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, इन आवर 54th एपिसोड ऑफ इजी एंड क्विक कुकिंग रेसिपी हम ऑलरेडी 53 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप उन्हें आई बटन और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट बिस्किट केक। चॉकलेट बिस्किट केक के लिए हमारे पास चॉकलेट बिस्किट्स हैं टाइगर के, जो हमें ले रखे हैं। हमारे पास कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, कैश्यू नट एंड आलमंड्स। हमारे पास जेम्स है, ये टूटी फूटी चेरीज है, ये बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है, ये हर्शीज सिरप का है, मिल्क, मैदा एंड आइस शुगर, बटर पेपर है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टॉप फूडीज पे जाना मुझे। आई एम हर्षित सोगी, फाउंडर ऑफ फूडी मूडी एंटरप्रेन्योर ऑफिशियल। चलिए आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ चॉकलेट केक कैसे बनाते हैं, होममेड चॉकलेट केक इजीली। बातें बाद में करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे टाइगर के चॉकलेट बिस्कुट रखे हैं, चॉकलेट केक बना रहे थे हम, चॉकलेट के बिस्कुट रखे हैं। अब हम इन चॉकलेट बिस्कुट को क्रश करेंगे, आइए मेरे साथ। तो आप देख सकते हो कि मिक्सी ग्राइंडर है और मिक्सी ग्राइंडर में सारे चॉकलेट केक को उसमें डाल देंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि यार लॉकडाउन चल रहा है, तो अब हम लोग आपको इजी रेसिपीज दिखा रहे हैं घर पे, होममेड आप कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे बिस्कुट को उसमें डाल देंगे। बिस्कुट डालने के बाद अब हम इसमें मिक्सी चला देंगे और इसका पेस्ट बना देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो फूडीज, यहाँ पे सारे बिस्कुट हमारे क्रंच हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी शुगर डालेंगे, ये बाद हम यहाँ पे अपना बेकिंग सोडा डालेंगे हम यहाँ पे इसको टेस्ट देने के लिए अच्छे से। ये बहुत बढ़िया लगता है चॉकलेट केक हम घर पे बना रहे हैं। जब हमने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है, उसके बाद अब हम इसमें अपना बेकिंग पाउडर डालने जा रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस, बेकिंग पाउडर से जस्ट मिक्स इट वेल फूडीज। और आप सब जानते हो कि जैसे कि कंडीशन सही नहीं है तो बाहर का सब लोग अवॉइड कर रहे हैं आजकल, तो उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा रेसिपी देखने में। ईजी होममेड चॉकलेट, जैसी कंडीशन नॉर्मल होती जा रही है हम वैसी रेस्टोरेंट फूड्स भी एक्सप्लोर करेंगे, बट आपके लिए हम होममेड डिशेस दिखा रहे हैं जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है फूडीज। एंड देन फूडीज वी विल ऐड मिल्क एंड मिक्स इट वेल, जिससे कि काफ़ी अच्छा बैटर आ जाए इसका। एंड आप देख सकते हो फूडीज हमने मिक्स कर लिया अपना बैटर को अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, पैन में ऑयल लगाएंगे अपने, पैन में ऑयल ग्रीस। देन वी विल डू डस्टिंग विथ मैदा, देन वी विल ऐड बटर पेपर एंड देन विल पोर आर चॉकलेट बैटर इन टू द पैन फूडीज। देन वी विल पुट सम ड्राई फ्रूट, जिससे कि टेस्ट काफ़ी अच्छा है हमारे केक का। देन वी विल पुट चेरीज, बिकॉज आप सब जानते हो कि केक चेरीज के बिना अधूरा है, तो हमसे चेरीज से ड्राई फ्रूट अच्छे से गार्निश कर लेंगे। देन आप हमने तवा गर्म कर लिया है फूडीज, अब उसके बाद हम अपने केक को तवे के ऊपर रखेंगे एंड उसे 40 मिनट्स तक लेफ्ट कर देंगे हीट होने के लिए। आफ्टर हीटिंग आप यू देख सकते हो कि हमारा केक अच्छे से गर्म हो चुका है। फूडीज हमारे पास केक आ चुका है, अब देखते हैं हम केक पे और क्या करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास केक आ चुका है, ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका था गैस पे। तो आप देख सकते हो फूडीज, अब हम अपने केक की डेकोरेशन कर रहे हैं हर चीज़ सिरप से, ये बहुत। देन वी विल गार्निश इट वेल विथ सम ड्राई फ्रूट्स, जैम्स एंड चेरीज टू मेक इट टेस्ट बेटर, जिससे आप सबको खाने में बहुत बढ़िया लगे। बर्थडे केक, हमारा होममेड चॉकलेट बर्थडे केक रेडी है। ये आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना जल्दी बनता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। मस्ट ट्राई इट फूडीज, यू विल लव इट ऑल। यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और कौन से फर्दर टॉपिक्स हैं जो कि आप चाहते हो मैं जाके कवर करूँ। सो यार जब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।